हेलो स्टूडेंट्स, जैसे हम लोगों ने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था हार्वेस्टिंग के बारे में कि हार्वेस्टिंग क्या है, दैट इज़ द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स। हम क्रॉप को कट करते हैं, गैदर करते हैं, थ्रेशिंग करते हैं, उसकी विनोइंग करते हैं। अब देखिए, फार्मर्स के पास जब सीड्स आ गए सारे के सारे, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उनको स्टोर करना पड़ेगा। उसे क्यों स्टोर करना पड़ेगा उनको सीड्स को, क्योंकि देखिए जो क्रॉप होती है मोस्टली हमारे, चाहे वो आपके वीट हो गए, चाहे वो आपकी क्या हो गई, राइस हो गई, राइस क्रॉप हो गई, तो वो साल भर में एक ही बार में उनका प्रोडक्शन होता है। अब साल भर में एक बार होने की वजह से क्या है, उनको पूरे साल भर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, इसलिए उनका प्रॉपर तरीके से स्टोरेज होना चाहिए। और अगर स्टोरेज नहीं हुआ तो हम लोगों को फिर साल भर क्या नहीं मिलेगा, पूरे ईयर जो है हमें जो है ये जो सीड ग्रेन्स हैं, चाहे आपका वीट हो गया, राइस हो गया, ये हमको मिलेगा नहीं। इसलिए इनको हमें प्रॉपरली क्या करना पड़ेगा, जो फार्मर है उन्हें उसको प्रॉपरली स्टोर करना पड़ेगा। अब इस टॉपिक में हम लोग स्टोरेज के बारे में पढ़ेगा कि प्रॉपरली हम सीड ग्रेन्स को किस तरह से स्टोर करते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं हमारी जो सीड ग्रेन्स को अफेक्ट करती हैं। मोस्टली हमारे देखो बेटा, दो चीज़ें होती हैं, कुछ बायोटिक फैक्टर्स होते हैं और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सीड क्रॉप्स को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं इसमें, मॉइस्चर हो सकता है, फंगस हो सकते हैं डिफरेंट, ठीक है, बैक्टीरियाज, घुन वगैरह, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब इन सब से कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, तो देखिए हमारी जो सीड ग्रेन्स हैं, जो फूड ग्रेन्स हैं हमारे, उनमें क्या होते हैं, मॉइस्चर होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें, मॉइस्चर होता है। तो इस मॉइस्चर को हमें उससे रिमूव करना पड़ेगा। अब रिमूव कैसे करेंगे हम उसको, उसको धूप में सुखा के, सनशाइन, धूप में सुखाएंगे उसको, या फिर मैकेनिकल जो है, मैकेनिकल तरीके से भी उसकी क्या हो जाती है आपकी, उसको ड्राई कर सकते हैं हम लोग बहुत बड़े स्केल पे अगर हमको करना है, क्योंकि मॉइस्चर ही ऐसा है कि जिसकी वजह से आपके जितने भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, इंसेक्ट्स, पेस्ट, फंगस, ये सारे के सारे उसमें ग्रो करते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि इसको क्या करना चाहिए, हमें अच्छे से इसको सुखाना चाहिए और इसका जितना भी मॉइस्चर है इसको रिमूव करना चाहिए। अब इसको जो है किस तरह से हम जो हैं कि कैसे कहाँ कहाँ इसको सुखाने के बाद हम इसको कहाँ कहाँ स्टोर कर सकते हैं बेटा, अपने जो घरों में कैसे स्टोर करेंगे, इसके हमारे पास मोस्टली दो तरीके होते हैं स्टोर करने के। एक होते हैं आपके गनी बैग्स में और दूसरे होते हैं आपके सिलोज जो होते हैं, उनमें हम मेटेलिक बिन्स, सिलोज का मीनिंग होता है आपका मेटेलिक बिन्स, उसमें हम इसको स्टोर कर सकते हैं, जिससे ये किसी से प्रोटेक्ट रहेंगे आपके मॉइस्चर से और बाहर के इंसेक्ट्स वगैरह से, डिफरेंट आपके बायोटिक फैक्टर से ये प्रोटेक्ट रहेंगे। लेकिन जब इसको हम स्टोर करेंगे, इसमें हमें कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी जिससे ये साल भर रहे हमारे पास। जैसे हम अगर वीट को स्टोर कर रहे हैं तो जो नीम ट्री की लीव्स होती हैं, ये कैसी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, एंटी फंगल होती हैं, ये फंगस को ग्रो होने नहीं देती हैं, बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देती हैं, इसलिए ड्राई नीम लीव्स जो है इसके साथ हम स्टोर करते हुए ऐड कर देंगे अपने सिलोज में, और ये हमारे लिए कैसे रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। हमारे जो सीड ग्रेन्स हैं ये कैसे रहेंगे, प्रोटेक्ट रहेंगे। अब जो ये तो हम अपने घरों में कर सकते हैं, लेकिन पूरे देश के लिए सोचिए, पूरे कंट्री में अगर इसका क्या होना है, इसको कंट्री के लिए इसको स्टोर करना है, पूरी कंट्री में फूड का सप्लाई होना है, तो इसके लिए हमारी जो कंट्री, हमारा जो देश है, वहाँ पे FCI में, यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक गवर्नमेंट एजेंसी है, ये फार्मर से बहुत बड़े स्केल पे क्या करती है, इन सीड ग्रेन्स का परचेस करती है और इसको स्टोर करती है इन अ बिग गोडाउन्स, बहुत बड़े बड़े गोडाउन्स में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप इसमें देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे इसकी जो है इमेज देख रहे हैं, इसको सबसे पहले इसका सेटअप किया गया था 1965 में इन चेन्नई में, और उसके बाद इसको मूव किया गया कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में इसको मूव किया गया। यही ये एजेंसी है हमारे देश में, गवर्नमेंट एजेंसी, जो क्या करती है, फार्मर से जो है एक लार्ज स्केल में सीड ग्रेन्स को परचेस करती है, उसको स्टोर करती है और उसके बाद पूरे देश में इसकी क्या होती है, सप्लाई होती है।
अब किस तरह से स्टोर किया जाता है, इसको हमने पहले भी कहा था कि दो तरीके हैं, दो वेज हैं, इन गनी बैग्स यानी जो आपके जूट के जो बैग होते हैं उसमें इसको स्टोर किया जाता है। आप अपने स्क्रीन पे पिक्चर्स में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको रो वाइज स्टोर किया गया है, एक रो में रखा गया है गनी बैग्स में, जिससे प्रॉपरली इसमें फ्यूमिगेशन हो सके। फ्यूमिगेशन यानी कि आपका जो है स्प्रे किया जाता है, किसका, केमिकल का स्प्रे, इसमें बीच में मूवमेंट ईजी रहता है। अगर हम इसमें करते हैं इस तरह से रो वाइज इसको स्टोर करते हैं तो कोई भी बीच में आ जा सकता है और इसको जो है फ्यूमिगेशन किया जा सकता है, स्प्रे किया जा सकता है केमिकल्स का, जिससे पेस्ट से, इंसेक्ट से हमारी जो ये सीड ग्रेन्स हैं ये प्रोटेक्ट रहें। इसके अलावा बर्ड्स हो गए, डिफरेंट रोडेंट्स हमारे हो गए, जैसे स्क्वायरल्स वगैरह हो गई, ठीक है, इनसे भी ये प्रोटेक्ट रहते हैं इस प्रॉपर वे से हम अगर इसको स्टोर करें। लेकिन एक इसमें नुकसान भी है गनी बैग्स में, क्या होता है गनी बैग्स में मॉइस्चर बहुत जल्दी अंदर चले जाता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और मॉइस्चर बहुत जल्दी इसके अंदर चले जाता है, जिस वजह से हमारे जो सीड ग्रेन्स हैं ये क्या हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है हमारे पास क्या, सिलोज में, जो सिलोज मैंने पहले भी कहा था आपके क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े मेटेलिक बिन्स होते हैं, यहाँ पे कोई बायोटिक फैक्टर इफेक्ट नहीं करते, यानी कि ना इसके अंदर क्या जा सकती हैं, आपकी गिलहरियाँ जा सकती हैं, ना चूहे जा सकते हैं, ना बर्ड्स इसको खा सकती हैं। इसके अलावा मॉइस्चर, अबायोटिक फैक्टर भी इसको अफेक्ट नहीं करेगा, कोई मॉइस्चर इसको अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो हमारे सीड ग्रेन्स हैं ये इसमें सिलोज में प्रोटेक्टेड रहते हैं, तो बहुत बड़े स्केल पे इसको किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा कि हमने कहा कि ये ज़्यादा बेटर तरीका है जो है हमारे सीड ग्रेन्स को स्टोर करने का, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा शॉप्स में बहुत सारी जगहों पे जो क्या है बेटा कि गनी बैग्स, आपके ये जूट के जो बैग्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा जो है क्या आते हैं आपके सीड ग्रेन्स आते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारी खाद्य सामग्री है इसी में ज़्यादा आते हैं। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न होगा, इसके पीछे रीज़न है कि ये ईज़िली क्या होते हैं, इनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, सुरक्षित तो ज़्यादा सिलोज में रहते हैं, लेकिन अगर जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आ जाती है तो ये ईजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के साथ आपके एक असाइनमेंट भी है, तो इसको सॉल्व करिए आप लोग और देखिए कि इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। ये आपका असाइनमेंट है, दो तीन क्वेश्चंस हैं इनमें, इसी वीडियो से रिलेटेड हैं, इसको देखिए और सॉल्व करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।